इतनी बात पवन ने कही। पवन की ये बात सुनकर अंजना कहने लगी कि महाराज पछली बातें क्यों उठाओ, जो हो गया सो ठीक। पर पवन नहीं मान्या तो आखिर में दुखी होके परेशान होके और अंजना की कहने लगी, भला पवन आगे भाई जो पाछे का जकरा करते उन बंदिया की हार बनी और उजड़ेंगे घर वीर मर्द की आपस में तकरार बनी। ओ पाछे जकरा करते उन बंदिया की हार बनी उजड़ेंगे घर वीर मर्द की आपस में तकरार बनी। जो पाछे का जकरा करते उन बंदिया की हार बनी उजड़ेंगे घर वीर मर्द की आपस में तकरार अंजना कहने लगी के महाराज क्यों पछली बटन उठाओ। और एक बात के द्वारा की कहने लगी, भला दबे हुए मुर्दे दबे रहन दे क्यों हट के फेरे अखाड़े से। जो हो जा मारी एक सलाह दे इब क्यों नक्शे झाड़े से। बीत बराबर कह वीर ने तू घर की बात बिगाड़े से। सियाणा हो के गलती करे क्यों असल बात नहीं उगाड़े से। तने बात बतंगड़े बना जई बात बतंगड़े बना जई मामूली शिकार बनी बिकेंगे घर पीर मर्द की आपस में तकरार बनी। तो पाछे का जकरा करते हो संतान बेल जिस ते वंश चलाया जा। एक से दो और दो से चार नुक्कर के वंश फलाया जा। समय आवेणी जानी हो दो दिन का खेल खिलाया जा। वीर मर्द दुख सुख के साथी नुकर के मेल मिलाया जा। इब कह कर दे मेरी खता माफ इब कह कर दे मेरी खता माफ तेरी लहरूंगी तबेदार बनी उजड़ेंगे घर पीर मर्द की आपस में तकरार बनी। तो पाछे का जकरा कर दे
मर्द छोड़ दे, जो मर्द छोड़ दे ब्याही ने ते के घरवा साओ से, बिना वीर के दुनिया में न्यूए बन में वासाओ से, ऊंच नीच का ख्याल करे ना उका तोड़ खुलासा होसे, जो वीर मर्द का नूर मिले ना ते कलू में बसा होसे, एक मर्द बिना हो वीर अधूरी, मर्द बिना हो वीर अधूरी, ओनु करके तेरी नार बनी माते भाई, पूरब माते पीली पट्टी जन लकड़न में हो रहा से, एक आधा रहा जाग नींद एक आधा सो रहा से, एक आधा बड़ा मोर चामे एक आधा जंग जो रहा से, जाट मेर संग देख देख ढंग करमा ने रो रहा से, बाज गया बिगुले लड़ाई करे, बाज गया बिगुले लड़ाई का बड़ी मुश्किल ते कली चार बड़ी, बिगड़ेंगे सारे पीर मर्द की आपस में राम राम भाइयों, नैन रागिनी सेंटर स्टूडियो और दोस्तों, आज जो रागिनी थी स्पेशल गृहस्थ आदमी के काम आने की, उजड़ेंगे घर वीर मर्द की आपस में तकरार बनी, जो पाछे का जगरा करते उन्हें बन जाएगी हार बनी। स्वर्गीय राज के हिंदी की आवाज में ये किस्सा वैसे मैक्स कैसेट में भी है और ये शायद सोनी पतालेता होगी रिकॉर्डिंग होगी जरूर, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग थी, बहुत क्लियर आवाज में, मास्टर प्रिंट पर तो शायद और भी बढ़िया। पंडित महावीर कंडेला से उन्होंने ये रिकॉर्डिंग पहुंचाई थी कैंप पे और कई रागनीश की बची है और काफी रागनीश की शेगी डाल दी, ऊपर आपने लिंक मिलेगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई, तो वहां पे भी जाया करो, नीचे चार पांच वीडियो लिंक करी हुए हैं, सुना करो इसकी शेगी, जो पूरी प्ले लिस्ट है वो नीचे लिंक रखी है। और दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो पिछली वीडियो में बताया था कुछ तथाकथित संस्कृति की ठेकेदार कंपनियां, उन्होंने अपने अनिल भाई के चैनल देसी रागनी कलेक्शन उस पर भी तीन स्ट्राइक दे दी है और लगभग उनका मकसद यही है कि बस सिर्फ हरियाणवी संस्कृति की ठेकेदारी हमारे पास रहे, उनको भाई इनका प्रचार प्रसार ना करे, तो अनिल भाई का सहयोग बड़ा सपोर्ट करनी है। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा करमपाल शर्मा जी से, वो भी इस मामले में सहयोग करें, उनकी आवाज किसी की बिकाऊ और गिरवी नहीं है और ना ही किसी कवि के पुराने के जो लिरिक्स है बोल है उनकी कलम है वो किसी के बिकाऊ है, कोई इनको खरीद नहीं सकता, ये रागनिया हरियाणा के लोगों की है, इस प्रकार के दुष्प्रचारों में सहयोग ना करें और अनिल भाई का सहयोग दें। बाकी रागनी दोस्तों चैनल पर डालते रहेंगे, जुड़े रहो। राम राम भाइयों।